वेलकम टू अजगर सॉफ्टवेयर आज हम बात करेंगे कंपनी इनकॉपेशन के बाद फॉर्म डी आई आर टू की फॉर्म डी आई आर टू क्या होता है जब भी आपने कोई भी नया डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो उसके लिए आपको फॉर्म डी आई टू फिल करके सबमिट करना होता है बेसिक डी आई टू ऑफ द डायरेक्टर होता है जिसके अंदर जिसके अंदर जिसको आपने डायरेक्टर अपॉइंट करना है उसकी के या उसकी कह सकते हैं या फिर उसकी पूरी डिटेल बेसिक डिटेल फिल होती है हम बात करते हैं स्टार्ट करते हैं फॉर्म डी के ऊपर जिसके अंदर है परसुइंग टू सेक्शन वन टू फाइव एंड रूल एट ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर यानी कि उनकी अपॉइंटमेंट और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है ये उसके अंदर डी टू के अंदर हमें फिल करनी होती है सबसे पहले तो ये जिनके नाम पे कंसेंट लेटर लिख के देता है उस कंपनी के नाम पे, जिसके जिस कंपनी के, जिस के लिए वो अपॉइंटमेंट लेना अपॉइंटमेंट चाहता है ठीक है जिसमें सबसे पहले लिखेगा आई और अपना नाम हेयर बाय गिव माई कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर उसके बाद कंपनी का नाम परसुट टू सब सेक्शन फाइव ऑफ सेक्शन वन फिफ्टी टू ऑफ दन of the company act 2030 and certified that i am not disqualified to become a director under section under the company act 2013 ye iska kya matlab hai disqualified to uske andar kuch cheeze hote kuch hai ki jiske andar agar wo लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी होती है डायरेक्टर्स की कि डायरेक्टर्स maximum इतनी डायरेक्टर्स इतनी company के लिए apply कर सकता है या ड्रैक्टरशिप ले सकता है जैसे कि लिखा हुआ आई फॉर द डर डेट इफ अपॉइंटेड माई टोटल डेक्टरशिप इन आर बी शलसीड द प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ कंपनीज तो इसलिए यहाँ पे हम जो डायरेक्टर है वो डिकलेशन दे रहा है और इसके अंदर फील्ड्स क्या क्या करनी है डिटेल सबसे पहले नंबर उसका डायरेक्टर्स का डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर उसके बाद नाम उसके बाद फादर्स नेम एड्रेस ईमेल आईडी and देन मोबाइल नंबर इनकम टैक्स पैन नंबर ऑक्यूपेशन क्या है उनकी date of birth, नेशनलिटी ठीक है उसके बाद आता है आपका नंबर ऑफ कंपनी इन विच I am a managing director, chief executive officer, full time director, secretary, chief financial officer, मैनेजर्स अगर इसके अलावा वो किन किन कंपनियों में वो मैनेजिंग डायरेक्टर सी ओ या होल्ड टाइम डायरेक्टर है तो ये वो उनके नाम देने होंगे उन कंपनी के नाम क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया कि उनकी लिमिटेशन होती है उसके बाद लास्ट पार्टिकल ऑफ मेम्बरशिप नंबर एंड सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस नंबर इफ़ द एप्लिकेंट ए मेम्बर ऑफ एनी प्रोफेशन इंस्टीट्यूट से अगर वो चार्टेड अकाउंटेंट है सी है तो अपना मेम्बरशिप नंबर यहाँ पर फिल करेगा ठीक है उसके बाद एक डिक्लेशन देगा आई डिक्लेयर डेट आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ़ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन with promotion formation or management of any company or llp and have not been found guilty of any fraud of misrepresentation of, of any breach of duty to any company under this act or any previous company law. in the last five years, yani we or last five mein bhi aisa, uh, breach. फ्रॉड नहीं किया आई फॉर फर्दर डर डेट इफ अपॉइंटेड माई टोटल डायरेक्टरशिप इन ऑल कंपनी शैल नॉट बी एक्सक्रीब द प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ द कंपनी इन विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ठीक है तो मैक्सिमम नंबर की जो लिमिट है वो विद इन उसके अंदर है और उसी के बेस पर वो डायरेक्टरशिप अप्लाई कर रहा है यहाँ पे उनके सिग्नेचर यहाँ पे डेट प्लेस और प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस अपना साथ में आधार कार्ड पैन कार्ड आप वो साथ में अटैच करके अपलोड कर सकते हैं ठीक है ये आपका डी आई टू फॉर्म है ये जब भी आपने कोई भी नया ट्रैक्टर अपन करना है तो उनसे फिल करा के साइन करा के विथ फोटोग्राफ आप इसको अपलोड कर सकते हैं फॉर्म के साथ में ठीक है अगर इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत आती है अपलोड करने में तो आप मुझे मैसेज कीजिए मैं आपको उसका रिवर्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकूँ और आपकी ये सीरीज़ जो है मेरे प्लेस अगर प्ले जो है मेरी आर की उसको जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियो आपकी रिलेटेड टू आर आपके साथ शेयर कर सकूँ थैंक यू